शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चलो बैठो। कहाँ जाना है मैडम? बोलो। हाँ? बोलो बोलो। मुझे कहीं भी ले चलो। कहीं भी ले चलो। कमाल। किशन। ए, चलो उठ, चाय पी ले। अरे उठना। क्यों रे? पुलिस वालों ने आजकल जेब में पिस्तल की जगह लड़कियों के सैंडल रखने शुरू कर दिए क्या? सैंडल? किसकी जेब से निकले? अच्छा, ये क्या? हाँ? सैंडल? कमाल है मां, किसी पड़ोसी का सैंडल लाकर मेरी जेब में डाल दोगी तो मैं मान जाऊंगा क्या? अरे वाह। ये लिपस्टिक का निशान भी किसी पड़ोस वाले का है? हाँ? लिपस्टिक? ए, बताना कौन है वो? कौन कौन? यही लिपस्टिक वाली, सैंडल वाली। अरे जाना वहाँ खाऊंगा, जबरदस्ती है, ऐसा भी क्या है? बताना। माँ तू जल्दी से बस नाश्ता वास्ता तैयार कर दे, मेरे कपड़े भी तैयार कर दे, आज मुझे बहुत जल्दी है और स्पेशल ड्यूटी पे जाना है, जल्दी कर माँ, मैं अभी नहा कर आता हूँ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते, कौन हो तुम? मैं अन्ना हूँ। नहीं नहीं नहीं, नाम से कैसे पहचानेंगी? मैं मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, आज खरी कमाई करने निकली हूँ। खरी कमाई? हाँ। वो क्या होती है? हम लोगों के घरों में जाकर काम करते हैं और लोग उसके बदले में हमको जो पैसा देते हैं उससे गरीबों के कपड़े और दवाइयाँ खरीदते हैं। नहीं बेटी, मेरे यहाँ ऐसा कोई काम नहीं। कोई काम नहीं है? नहीं। ओ, एक मिनट, वो तस्वीर किसकी है? वो मेरे बेटे की। बेटे की? हाँ। ओ, एक मिनट जरा बुला दीजिए ना उन्हें। क्यों? वो माफी मांगनी है। माफी? किस बात की? वो कल रात उनके साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आई थी ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, तो तू है वो सैंडल वाली? हुँ? सैंडल वाली? हाँ। अरे अरे, जाती कहाँ है? मैं वो। अंदर आ, अंदर आना। लेकिन माँ जी वो। चुप, बैठ बैठ। कहाँ फंसी अन्नू? ये सैंडल तेरे हैं? ये नहीं नहीं, मेरे नहीं है। ये सैंडल तेरे हैं? हाँ। अब बोल, तू खरी कमाई के लिए आई है ना? जी हाँ। बोल, तू क्या क्या काम कर सकती है? काम? सब कुछ जो एक लड़की कर सकती है। अच्छा? हाँ। आ मेरे साथ। सुन, किशन अभी नहा रहा है जी, तू जल्दी से उसके लिए ऑमलेट बना दे, कपड़ों को इस्त्री कर ले और जूते पॉलिश कर ले, समझ गई ना? मैं भी आई। पॉलिश, इस्त्री, ऑमलेट। हाँ, जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं नाश्ते के बाद कपड़े वपड़े पहन लूंगा, जल्दी करो माँ। अरे वाह, आज तो स्पेशल ऑमलेट लगता है माँ, ऐसे कैसे हो गया आज? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कपड़ों को पॉलिश कर दिया, जूतों का ऑमलेट बना दिया और नाश्ते को इस्त्री कर दिया। नहीं नहीं, गड़बड़ है। अब तक रात की उतरी नहीं क्या? आज तो हम कॉलेज की ओर से खरी कमाई करने निकले हैं।
अरे भागो यहाँ से, माँ ने देख लिया तो खरी खरी सुनाएगी और कमाई की जगह धुलाई हो जाएगी। अरे लेकिन माँ ने ही तो ये सब कुछ करने को कहा था। हाँ मैंने कहा था। क्या बोल, पकड़ी गई ना चोरी? किस बात की चोरी, मैं पुलिस वाला हूँ, कोई चोरी वोरी नहीं करता। पुलिस वाला तो है लेकिन किसी रोज चोर को पकड़ते वक्त जेब में से पिस्तौल की जगह सैंडल निकल आया तो अखबार में फोटो छप जाएगी। अरे माँ ये खामखा गले पड़ रही है, मैं तो उसे जानता भी नहीं। आ बेटी मुझे सब मालूम है, बैठ ये ले। ये तो इसे नारियल क्यों दे रही माँ? तेरे सर पे फोड़ने के लिए। और ये बुद्धू लड़की जब पहली बार घर आती है तो उसको खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, ये तो कह क्या रही है। चल चल जल्दी से 10 रुपए निकाल और रख दे इसके हाथ में। 10 रुपए किस बात के? इसकी खरी कमाई के। खरी कमाई के? मैं क्यों दूं? क्यों नहीं देगा? अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दे, कल जब ये इस घर में आएगी तो अपनी खरी कमाई भी इसके हाथ में लाके देनी पड़ेगी। माँ तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? बेटी तू जल्दी से अपने घर वालों को खत लिख दे कि फौरन मुझे आकर मिले। पोस्टमैन बसंती के नाम चिट्ठी है माजी। पर भैया मैं पहले ही कह चुकी हूँ बसंती अब यहाँ नहीं रहती, वो अब बंबई में रहती है और उसका बंबई का पता मैंने पहले ही डाकखाने में लिखवा दिया है, आप ये चिट्ठी उसी पते पर भेज दीजिए। अच्छा माजी। हाँ मेरी प्यारी बेटी बसंती, पहले भी तुम्हें कई खत लिख चुकी हूँ लेकिन तुम्हारा कोई जवाब नहीं मिला। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैंने एक लड़का पसंद कर लिया है, उनका नाम है किशन, वो पुलिस इंस्पेक्टर है, उनकी माँ ने भी मुझे बहू के लिए पसंद कर लिया है। अब वो आप दोनों से मिलकर शादी की बात पक्की करना चाहते हैं, इसलिए खत मिलते ही आप दोनों मेरी हॉस्टल पर बंबई आ जाइए। वैसे भी मैं जीजा जी से नहीं मिली, इसी बहाने मिल लूंगी। आपकी बहन अनु। किसका खत है बेटी? अनु का माजी, उसकी शादी तय हुई है। अच्छा? लड़के की माँ मुझसे मिलना चाहती है। तो मिल ले ना। मिल तो लूं लेकिन लेकिन तू कब तक अपनी असलियत लोगों से छुपाती रहेगी बेटी? माँ जी मेरा घर तो बस नहीं सकता, अनु को पढ़ा लिखा कर जब तक उसका घर न बसा दूं मुझे अपनी असलियत छुपानी पड़ेगी। चौक गया? नहीं मैं तो वो किशन, मुझे मालूम है किशन ने तुझे यहाँ बुलाया है। और ये भी बताऊं किस लिए बुलाया है? ताकि अन्नू के साथ उसकी शादी ना हो सके, है ना? मगर एक बात याद रखना अमित, मुझे वो लड़की पसंद है, किशन की शादी उसी से होगी और वो भी तू उसे राजी कराएगा। मैं? हाँ तू। लेकिन मैं कैसे? वो मैं नहीं जानती, अगर तूने नहीं किया तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगी, समझा? लेकिन मैंने किया क्या है माँ जी? किया नहीं करना है। क्या करना? यही जो मैं कह किशन मैं यहाँ छोकर सुन रही हूँ। कहाँ यार, मैं तुझे ढूंढता ढूंढता तुम्हें थक गया हूँ। क्या हुआ क्या हुआ? एक सांस ले। वो है ना कौन? वो अरे कौन? अनु। जिनका नाम है आजकल के लोग क्या नाम रख देते हैं यार, अनु अनु अनु। अरे यार माँ ने, अरे हुआ क्या यार, माँ चाहती है कि मैं अनु से शादी कर लूँ। तो कर ले शादी। अरे कैसे कर लूँ शादी यार, ऐसे थोड़ी होती शादी, मैं शादी नहीं करना चाहता। तो मत कर। नहीं करते? नहीं ऐसे थोड़ी ना होगा भैया, अमित एक तरीके से ना कहना होगा। एक काम कर, तू अनु के पास जा, अनु से कहे कि किशन खराब आदमी है, शराबी है, पापी है, पाखंडी है, जितनी बुराइयां तुझमें हैं उतनी बुराइयां मुझ में है। अरे तू सुन रहा मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे ज्यादा टाइम नहीं है, ड्यूटी पर जाना मुझे, ये देख। हाँ हाँ सुन भी रहा हूँ, किसकी सुनो किसको देखो कुछ समझ में नहीं आता।
तेरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर तूने उसके सामने मेरा रिकॉर्ड खराब नहीं किया तो मैं तेरा रिकॉर्ड खराब कर दूंगा। मेरा रिकॉर्ड? ए भाई ए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देख उसके सामने तेरी सारी बुराई करने के बावजूद भी वो शादी से इनकार न करे तो? तो एक काम करते हैं, कल उसकी बहन और जीजा जी को मेरे घर में जाने देना, यहीं बुलवा लेना, अपन दोनों मिलकर शादी कैंसिल करवा देंगे, समझा? एक मिनट, इसके बावजूद भी अगर शादी की बात नहीं टूटी तो टांग तोड़ दूंगा तेरी। टांग तोड़ दूंगा? ए भाई ए, कौन सी टांग? ये कि ये वो, इसकी तो पहले ही एडवांस बुकिंग हो चुकी है। क्या? नहीं नहीं, जा जा पागल हो गया क्या? कमाल है, सभी मेरी टांग के पीछे पड़े हुए हैं। किशन की बात मानो तो माँ टांग तोड़ देती है, माँ की बात मानो तो किशन टांग तोड़ देता है, काम न करो तो दोनों मिलकर टांग तोड़ देते हैं। इस टांग ने तो मुझे अजीब मुसीबत में टांग दिया रे। माँ माँ चली गई, सब मेरा साथ छोड़कर चले गए। चल निकल, एक तू ही है जो मेरा साथ नहीं छोड़ती। बात दरअसल ये कि किशन जिसके साथ तुम शादी करना चाहती हो बहुत ही घटिया पोकल चालू किस्म का आदमी, उसके चक्कर में अगर तुम पड़ोगी तो जिंदगी भर माथा पीटती रहोगी कि हाँ ये मैं किसके चक्कर में पड़ गई। अरे अरे रो मत, बात समझने की कोशिश करो, ये तो लोगों ने अफवाह फैलाई हुई है। माँ ये कहती हैं कि किशन जैसा ईमानदार शरीफ और अच्छा आदमी तो है ही नहीं, जितना खूबसूरत वो खुद है उससे हजार गुना खूबसूरत तो उसका दिल है, यानी दुनिया में अगर कोई शरीफ है तो बस किशन। मगर जहां तक मैंने सुना है बेवड़ेबाज है, इंग्लिश मिली तो इंग्लिश, कंट्री मिली तो कंट्री, नौकरी पे कम जाता है, जुआ खेलने ज्यादा जाता है, और जहां लड़की दिखी चला उसके पीछे, फिर ये नहीं देखता कि उसने वर्दी पहनी है या नहीं, साथ में दो चार हवलदार हैं या नहीं, चला लड़की के पीछे सीटी बजाता हुआ, पड़ गई तो पड़ गई, नहीं तो पिटपिटा के आ जाता है। मगर मां ये कहती हैं कि मेरा बेटा, अरे शराब तो एक तरफ, शराब की बदबू की वजह से शराब की भट्टी पर धार भी नहीं मारता, और जहां तक लड़कियों का ताल्लुक है, जहां लड़की देखी ऐसा शर्मा के बैठ जाएगा जैसे खुद लड़की हो, आंखों में शर्म बातों में हया। मगर किशन ये कहता है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने कभी अनु से शादी नहीं करनी। मगर मां ये कहती है कि दुनिया इधर की उधर तो क्या, ऊपर से नीचे हो जाए, मैंने अनु को अपनी बहू बनाकर ही रहना है। मगर बंद करो ये तुम्हारा अगर मगर, कभी इधर अगर कभी उधर मगर, थाली के बैंगन की तरह इधर लुढ़कते हो उधर लुढ़कते हो। मैं सोचती थी तुम आए हो तो मेरी मदद करोगे, लेकिन तुम तो मुझे अगर मगर के चक्कर में फंसा रहे हो। मैं अकेली हूं ना, इसीलिए अगर मेरी दीदी और जीजा जी आज यहां होते तो तुम इस तरह से मेरा मजाक नहीं उड़ाते, मेरी ओर से कोई बात करने वाला नहीं ना। मामला कुछ गंभीर मालूम होता है। देखो भाई, अपुन बहुत सेंटिमेंटल किस्म का आदमी है, लड़की को रोते हुए देखता है तो इधर कुछ कुछ होता है। एक बात बताओ, तुम्हारा बहन किधर है? मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी थी, लेकिन जवाब आया कि वो लोग तीर्थ यात्रा पे चले गए, यहां नहीं आ सकते। अच्छा, फिक्र मत करो। तो एक बात बता, तू किशन से प्यार करती? हाँ। सच्चा प्यार? हाँ। बस बस बस, फिर कोई परवाह नहीं, अब चाहे मेरी टांग टूटे या मेरा रिकॉर्ड खराब हो, लेकिन किशन के दिल में तेरे प्यार का रिकॉर्ड बजा के रहूंगा, वरना मेरा नाम नाम हाँ? नाम हाँ? अमित नहीं। मैं नहीं बनती किसी की दीदी विदी, तुझे तो दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की आदत पड़ गई है। अरे टांग नहीं अड़ा रहा हूँ, किसी का घर बसा रहा हूँ। मेरा घर तो तू बसाने से रही, कम से कम किसी दूसरे का घर तो बसा दे। वो मेरा दोस्त है ना इंस्पेक्टर किशन, ये लड़की उससे प्यार करती। किशन, क्या नाम है उस लड़की का? अन्नु। हाँ। देख बसंती, मैं उस लड़की को वचन देके आया हूं
कि अगर उसकी शादी किशन से नहीं हुई तो मेरा नाम अमित नहीं। ठीक है, मगर मैं एक शर्त पर चलूंगी, उस लड़की को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी, घूंघट ओढ़कर चलूंगी। अरे तू घूंघट तो क्या, उसके ऊपर बुरका डाल के चल, मगर चल। अच्छा हाँ, दूसरों की शादी के लिए तो राजी करवा लिया तुझे, एक दिन अपनी शादी के लिए तुझे राजी न कराया तो मेरा नाम नाम हाँ वाह खूब बजा रहे हैं और यहां अपनी बज रही है। देखो ना, ना तुम्हारी बहन आई, ना जीजा, ना मेरी माँ, ना वो साला अपना दोस्त। मुझे ऐसा लगता है अब वो नहीं आने वाले। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, देखिए वो जरूर आएंगे। नो चांस, मुझे लगता है उन्होंने कहीं और ही मुलाकात कर ली है और ये फैसला भी कर लिया है कि हमारी शादी ना हो। ओ बहू, वो कौन कहता शादी नहीं होगी? कौन है? ये वो जी मैं हैगा कुड़ी दा जीजा। हाँ ये हैगी ओदी जीजी। हाँ जीजा और जीजी आ गए ना, जिन्हों कहंदे ने दीदी। तेने कसम खाई हुई है कि जब तक अपने पैन दे हाथ पीले नहीं करेगी एने अपना मुंह नहीं दिखाना, और तू पैन दे टके कहंदा तू कुड़ी नाल ब्याह नहीं करना, और की खराबी साडी कुड़ी विच? क्या मतलब? ओ मतलब मैं बाद ही दसांगा। ए बता लंबाई कितनी है? क्या? और तेरा कद कितना है बाबू? 5'11". 5'11", ठीक है कुड़िये? हाँ जी ठीक है। वजन कितना है तेरा? 62 किलो। 62 किलो, क्यों भाई ठीक है अभी? एक मिनट, हाँ जी अभी ठीक है। और मैं क्या काम की करना है? इंस्पेक्टर हूँ। की टिकट इंस्पेक्टर? नहीं नहीं पुलिस इंस्पेक्टर। अच्छा अच्छा जी, मैं क्या भी तो देखो ना। ला मैं तो भूल ही गया, ओ बाबूजी आते थोड़ा एक तिल लेगा। ओ मैं क्या बाबूजी? यार ये तिल विल का क्या चक्कर है? अजी तिल के साथ इसके दिल की बात है, लड़की की कुंडली में लिखा है कि जिस लड़के के साथ इसका ब्याह होगा उसका कद 5'11" तो वजन 62 किलो और एक काला तिल होगा। और ये सब गल्ला तुझमें है, ये लो शगुन। शगुन? हाँ। अरे नहीं 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 सॉरी, ये लो अपना शगुन। और जीजा जी मुझे माफ कीजिए, मेरा पीछा छोड़िए और इस लड़की का रिश्ता किसी और से जोड़िए। ओ मैं क्या बाबूजी से चल जाए? ओ बाबूजी एक मिनट गाते सुनो। अरे मिस्टर जागी, हम जानते हैं कि शहर में काला बाजार जो चल रहा है अनाज का, वो सब तुम्हारे हाथ में है, और हम ये भी जानते हैं कि जितने भी अनाज की गोदाम है वो सब तुम्हारे हैं। तो हम ये चाहते हैं वो सारे गोदाम तुम हमारे हवाले कर दो। अच्छा, किस खुशी में? इस खुशी में कि हम तुम्हें पार्टनरशिप देना चाहते हैं। पार्टनरशिप? हमारा माल तुम्हारे गोदामों में रहेगा और हमें इस माल से जो भी मुनाफा होगा वो सब का सब तुम्हें 20% का हकदार बना देगा। मंजूर है? चलो बेटे। क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने बड़े आदमी होकर इतनी छोटी सी बात भी कर सकते हैं। ये गोदाम मेरी रोजी है हुजूर। मुल्क में जब अकाल पड़ता है लोग दाने दाने को तरसते हैं, तो मैं अनाज की मुंह मांगी कीमत वसूल करके लाखों करोड़ कमाता हूँ, और आप मुझे सिर्फ 20% का लालच दे रहे हैं। तो 25% ले लो। ये 20-25% का काम कोई 2% का आदमी ही कर सकता है, इसलिए बेहतर है आप कोई और पार्टनर ढूंढ लीजिए। जानते हो किससे ना कह रहे हो तुम? और आप भी जानते हैं ये बेहुदा सवाल किससे कर रहे हैं? मैं चाहूं तो मिनटों में तुम्हें जेल की हवा खिलवा सकता हूं। मिस्टर विक्रम, हम चाहें तो तुम्हें फांसी के तख्ते पर चढ़वा सकते हैं। यकीन नहीं आता तो इस तस्वीर में अपने कारनामे देख लो। अच्छी खींची है ये, अपने ही किसी के खिंचवाले का काम लगता है। तबीयत ठीक नहीं लगती, बाहर ले जाओ, इलाज कर दो इसका। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। गुड लक।
मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने बड़े आदमी होकर इतनी छोटी सी बात भी कर सकते हैं। ये गोदाम मेरी रोजी है हुजूर। मुल्क में जब अकाल पड़ता है लोग दाने दाने को तरसते हैं तो मैं अनाज की मुंह मांगी कीमत वसूल करके लाखों करोड़ों कमाता हूं। आप मुझे सिर्फ 20% का लालच दे रहे हैं। इस टेप से आपको भी 10-15 साल की जेल तो आसानी से लग सकती है ना? डैडी खामखा झगड़ा करने से क्या फायदा? विक्रम अंकल, ना तो मैं बुरा बोलता हूँ, ना बुरा सुनता हूँ और ना ही बुरा देखता हूँ। हमारे बुजुर्गों ने भी यही कहा है। इसलिए अंकल, हम ना तो किसी की बुराई करेंगे, ना ही ये फोटोग्राफ किसी को दिखाएंगे, और अंकल आप भी ये टेप किसी को नहीं सुनाएंगे। मैंने ठीक कहा ना? डैडी आप बोलते क्यों नहीं? तुम्हारा लड़का तुमसे ज्यादा अकलमंद। थैंक यू अंकल, थैंक यू। ठीक है, मेरी कमजोरी तुम्हारे पास, तुम्हारी कमजोरी मेरे पास, कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। डैडी ये रहा इस तस्वीर का नेगेटिव। हम इन दोनों कमजोरियों को एक ऐसे ताले में बंद कर देंगे जिसकी दो चाबियां होंगी। एक चाबी तुम्हारे पास रहेगी और दूसरी मेरे पास। डन। डैडी लेकिन 50-50। डन डन। थैंक यू। किशन बेटे, ये उसी आदमी की तस्वीर है ये मेरे बेटे को रिश्वत देने आया था। मेरे बेटे ने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे बेटे की मौत के पीछे जरूर इसी का हाथ है। अगर खान मामा की मौत के पीछे इस आदमी का हाथ है अम्मी जान, तो आप भरोसा रखिए इस बार ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा। किसकी बात हो रही है बेटे? खान मामा के कातिल की। जरा मैं भी तो देखूं खान भैया का कातिल। ओ, तेरे कपड़े खराब हो गए बेटे। ये फोटो साफ दिखाई नहीं देती। माँ, जिस दिन इस आदमी को गिरफ्तार करूंगा दुनिया के साथ साथ तू भी इसे देख लेना। साहब आपसे कोई मिलने आए? गुलाब आइए। नमस्ते। क्या आप ही मिस्टर विक्रम हैं? जी मैं इंस्पेक्टर किशन हूं। क्या मैं बैठ सकता हूं? बैठिए। थैंक यू। कहिए क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी? बस मेहरबानी चाहिए आपकी। फरमाइए। सुना है आप पुलिस वालों पर बहुत मेहरबानियां करते हैं, कुछ मैं... सॉरी, मेरा पुलिस वालों से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। आपको किसी ने गलत खबर दी है। नहीं साहब, बिल्कुल सही खबर मिली है। आपने इंस्पेक्टर खान को भी बड़ी रकम देने की कोशिश की थी जिनका पिछले दिनों खून हुआ। इंस्पेक्टर खान? जी हाँ। इंस्पेक्टर खान, नाम सुना है? हाँ, पेपर में पढ़ा था, मैं जानता रहूँ। देखिए आप बड़े आदमी हैं, ये छोटी मोटी बातें कहाँ याद रहेंगी आप लोगों को। वैसे आपसे एक विनती है, जो मेहरबानी आप इंस्पेक्टर खान पे करना चाहते थे अगर उसकी बुरी माँ पे हो जाए तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो गैर कानूनी काम आप खान साहब से करवाना चाहते थे वो मैं कर दूंगा। गैर कानूनी काम? लगता है तुम पुलिस में नए भर्ती हुए। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि बगैर किसी सबूत के किसी शरीफ आदमी को तंग नहीं क्या करते? बेटे पहले सबूत मुहैया करो, उसके बाद बात करना। अब मेरे खाने का वक्त हो गया और मैं खाते वक्त किसी से बात नहीं करता। गेट आउट। ठीक है विक्रम सिंह, आज तो तुम अपने घर का खाना खा लो। अगर एक दिन मैंने तुम्हें जेल का खाना नहीं खिलाया तो मेरा नाम भी किशन कपूर नहीं। साहब, ये इंस्पेक्टर जब से आया है लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। इंस्पेक्टर खान के बारे में भी लोग ये कहते थे, लेकिन मैं इसे अपने आदमी से नहीं मरवाऊंगा। तो फिर साहब? एक आदमी है, उसे पैसों की जरूरत है मंदिर बनाने के लिए। ये साला मोहल्ला कंजूस मक्की चूस, काइलर से बचने के लिए जेब में हाथ डालो भाइयों। अरे जेब में हाथ डालने को बोला तो ठेगा दिखाता है। अरे नीचे उतरा मेरे बेटे, अरे गिर गया तो मर जाएगा। अरे गिरने दे मरने दे, और पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? ये कमबख्त मोहल्ले का मुंह तो नहीं देखता ये साला का मोहल्ला कंजूस। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो बेशर्मो,
साला पिक्चर देखने के लिए तो 50-50, 100-100 रुपए का टिकट ब्लैक में खरीदता है, मंदिर बनाने के लिए सब साल करके। आज मौका अच्छा है, इसी को कूद जाए, बाकी मंदिर हम बनवा लें। ए अमित, अरे नीचे कूद जा, बाकी मंदिर हम बना लेंगे। क्या बोला? अरे नीचे कूद जा, बाकी मंदिर हम बना लेंगे। अरे तो पहले बोला होता ना, पॉकेट में इतना ऊपर चढ़ा दिया। ठहर जाओ, कूदता है, कूदता है। हाँ आ, एक दो तीन। नहीं नहीं नहीं, ये कौन गारंटी देगा कि मेरे मरने के बाद ये मंदिर बनेगा? देखो ये लोग मेरे जाने के बाद तुम्हारे साथ चीटिंग किया तो अरे आप उनके पास भी है। हेलो, अरे उन लोग का ठप्पे अगर है तो इसे इस्तेमाल करके नीचे उतरा। अरे नीचे उतरा मेरे पास। बुड्ढा बराबर बोलता है, बराबर बोलता है बुड्ढा। एक तो ये लोग ने भांग पिला के मेरे को ऊपर चढ़ा दिया, अभी इधर से सीधा और ऊपर चढ़ाने को देखता है। कितना फांदेबाज है ये लोग। अच्छा हुआ मैं नहीं कूदा बाप, कूदता तो मर जाता, मरता तो फिर दुर्गा माई को क्या मुंह दिखाता। मेरी जेब में तो 5 पैसा भी नहीं है। मेरे को बता दिया ना, रगड़ा दिया ना, अरे थोड़े से के लिए इतना ऊपर चढ़ा दिया ना। तेरा काम तो मैंने शुरू करा दिया, पर पूरा कौन कराएगा? मेरा बाप। अरे बाप होता तो मैं उसके पास भीख मांगता, वो मेरा पता पूछते हुए मुझे ढूंढ लेता। अरे खुद ना आता तो कम से कम किसी को भेज तो देता। साले हौसला सब देते हैं पर आज पता चला वक्त पर सिर्फ अपने काम आते हैं। अमित नाम का आदमी कौन है यहाँ पर? वो क्या ऊपर खड़ा है? ऊपर ये अपन के अपने कब आएंगे और मंदिर पूरा कराएंगे? अपनी जेब में तो 5 पैसा नहीं है। अमित नीचे आ जा, नीचे हमारा साहब ने तुमको बुलाया है, जल्दी आ जाओ। अरे तुम्हारा साहब को बोलो ऊपर आकर के बात करे, जब तक ये मंदिर नहीं बनता अपन नीचे नहीं आने वाला। तुम नीचे आ जाओ, साहब तुम्हें मंदिर के लिए पैसा देंगे। पैसा क्या करो, आता है जाना नहीं, यहाँ अभी आता है, आता है आता है। पैसा का नाम सुनकर तो स्काई लैब की तरह उतरेगा, अपन भी उतरेगा, अपन का भांग भी उतरेगा।